महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सोमवार को अहमदनगर जिले की घटना पर कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। डिप्टी सीएम पवार ने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। दरअसल अहमदनगर के कथित रूप से अनुसूचित जाति के 4 लोगों को पेड़ से उल्टा लटका कर दंडों से पीटा गया था। हमलावरों ने उन पर चोरी करने का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सोमवार को अहमदनगर जिले की घटना पर कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। डिप्टी सीएम पवार ने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। दरअसल अहमदनगर के कथित रूप से अनुसूचित जाति के 4 लोगों को पेड़ से उल्टा लटका कर दंडों से पीटा गया था। हमलावरों ने उन पर चोरी करने का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सोमवार को अहमदनगर जिले की घटना पर कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। डिप्टी सीएम पवार ने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। दरअसल अहमदनगर के कथित रूप से अनुसूचित जाति के 4 लोगों को पेड़ से उल्टा लटका कर दंडों से पीटा गया था। हमलावरों ने उन पर चोरी करने का आरोप लगाया था।